सबसे पहले आपने ये शीट ले लेनी और फ्रेम ले लेना है। उसके बाद आपने जो शीट है ना, ये तीन तारें डली हुई हैं फ्रेम के अंदर, एक तार ऊपर आनी चाहिए और दो यानी कि नीचे आनी चाहिए। इसके अंदर से गुजार के ना, ये जो सुराख है इसका, ये यहाँ पे होता है, इसके अंदर आपने बिल्कुल इसको फिट कर लेना है। जो वैक्स है ना, जितनी इसके अंदर तक जा सकती है अंदर तक ले जानी है आपने। उसके बाद फिर आपने ना थोड़ी वैक्स जो इसके एक्स्ट्रा होगी साइडों पे, तो जो वैक्स होगी उसको आपने उतार लेना है, या फिर अगर एक्स्ट्रा नहीं है तो दूसरी शीटों से उतार के ना इसको गर्म करके, जो गर्म होगी ना वैक्स चम्मच के साथ यहाँ पे डालनी है। अभी मैं आपको डाल के भी दिखाऊंगा, तो बिल्कुल ऐसे इस साइड पे और इस साइड पे बिल्कुल मज़बूत हो जाएगी आपकी ये वैक्स, फिर नीचे भी नहीं आएगी। फिर आपने इसको इंस्टॉल वैसे ही, फिर आपने थोड़ी सी वैक्स ले लेनी है। वैक्स को किसी बर्तन में डाल के आपने गर्म कर लेना, उसको पिघला लेना अच्छे तरीके से, उसको चम्मच के साथ साइडों पे आराम से, जैसे बर्तन गर्म होता जाए साइडों पे लगाते जाएँ, अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगी। जैसे ये पिघल जाए उसके बाद फिर आपने जैसे मैंने तरीका बताया वही शीट उठानी है फ्रेम के साथ, उसके ऊपर डाल दें। फिर आपने चम्मच के साथ इसकी साइडों पे जैसे मैंने बताया आराम से डालते जाना है। जैसे आप डालते जाएंगे ये मोम वैसे ही दोबारा जमती जाएगी, जमने की वजह से ये बिल्कुल फ़िट हो जाएगी फ्रेमों के अंदर, यानी कि फ्रेम के अंदर फिट हो जाएगी तो बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। तो इसकी वजह ये होती है इसको डालने की, अगर मोम नहीं डालेंगे आप उसके अंदर फ्रेम खड़ा कर देंगे तो मोम जो ये जो शीट है ना इसकी, ये शीट नीचे यानी कि लटक जाएगी, गिर जाएगी, फिर वो जो बनाएंगी रैंडमली छत्ता बनाएँ कभी इधर कभी उधर, कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा, फिर आपको दोबारा लगानी पड़ेगी। इसलिए पहले एहतियात कर लें तो अच्छा होता है। तो मोम अच्छे तरीके से डालें, जितनी डालेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। ये देखें वो वैसे ही वैक्स पिघला के मैंने इसके ऊपर डाली है, तो ये बिल्कुल फिट हो चुकी है शीट इसके ऊपर। तो अब आप आसानी से इसको जाके हाइव के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। चलें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।